हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है मंडे का, तो आज हम जा रहे हैं दोबारा से शहर ज़ारा, क्योंकि कल संडे को गए थे हम, यानी जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसमें गए थे हम शहर ज़ारा, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम ऐसे लौट के आ गए वापस। फिर शाम को हम स्विमिंग पूल में गए थे, तो आज हम जा रहे हैं, आज देखते हैं कितनी भीड़ है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि सुबह भीड़ भी बहुत कम होगी, पानी भी देखते हैं साफ ही होगा। तो चलो, हेलो ब्रो। हेलो हेलो यार, इसमें फ्यूल एम्प्टी दिखा करो। हेलो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू सेस्टोदारा, सो वी विल टेक यू टू सेस्टोदारा। तो मेरी ऑडियंस तो हिंदी वाली है। ओके, आप हिंदी में बोलो। ठीक है ठीक है, समझ गया। हेलो दोस्तों, आज हम सेस्टोदारा जा रहे हैं, सो आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता कि कैसे हम जा सकते हैं सेस्टोदारा। वी ट्रिपलिंग। अरे ये नहीं बताना था, कट कट कट। अच्छा, करने तो आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, और कल कैसा रहा? हाँ कल का दिन बहुत बढ़िया था। बढ़िया था ना? कल वो जो हिडन लेक थी, इट्स नॉट हिडन एनीमोर एक्चुअली, बट वो गायब हो गया। हाँ वो तो गायब हो गई है, बट उसका अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसका अगर अल्टरनेटिव देखा जाए तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। हाँ स्विमिंग पूल कैसा था? स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया, स्विमिंग पूल में तो मज़ा आ गया, एक घंटे स्विमिंग करी और ऑसम मज़ा आ गया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलो अजय देवगन। उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का, सफरनामा। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं और ये भीड़ है सुबह सुबह की, मतलब उस हिसाब से बहुत कम भीड़ है और पानी भी ठीक ही है साफ सा। और हाय कर, यहाँ पे देखते हैं। ये तो ये बोल रहे कि यहीं पे नहाते, लेकिन हम मैं तो बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएंगे, ऊपर मस्त है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, देखो इस टाइम पे कितना साफ पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे शहर आ रहा नहीं, कहीं और आ गए, बढ़िया जगह। बढ़िया तो खैर बढ़िया ही है ये भी, पर मतलब अब अगर दिन में आओगे ना, अब आपको नीचे नहीं दिखेगा कुछ, वैसा गंदा हो जाता है ना पानी दिन में, और इस टाइम पे देखो कितना बढ़िया साफ पानी है। तो यार मैं अभी नहा के आया हूँ ये देखो, और मतलब हम मजे कर रहे थे तो वीडियो वगैरह बना नहीं पाए, क्योंकि फोन अगर ले जाते हम तो भीग जाता, तो उसके लिए मैं वो ले जा रहा हूँ जो वो नहीं होता जिसमें फ़ोन लगाते, ये वाला। अब इसके अंदर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वही है कि वॉइस नहीं आएगी इसमें बस, तो इसमें मैं गाना ऐड कर दूंगा और बाकी आप देख लो आप। हेलो चलो भैया को, भैया चलो ऐसे। हाँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं ना हमेशा पैर ऐसे रखता हूँ, ऐसे उकड़ू से। क्या बोला तूने? हमेशा मुझे पर यार लगती है। बन रही है ना, देखो बन रही है ना। हाँ 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 बन रही है, दिखाइयो। हाँ बन रही है, बन रही है ना, सही बन रही है यार। ओए रुक जा रुक जा रुक जा, आया आया। हमें फेस प्लास उड़ गया, मस्त बन गई, मस्त बन गई। देखो आ जाओ,
वीडियो बननी गंगा में स्नान कर रहा है क्या? वो भाई सही कूदा है, टी शर्ट पहन के कूदोगे ना यार? तो गाइस यार भैया लोग तो नहा रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हमने ये लिया था इसके अंदर पानी जा रहा है यार, फ़ोन पे भी पानी चले गया पूरा। मैं बैठ गया यहाँ पे धूप सेकने के लिए और मेरे को तो आवाज़ नहीं आ रही, मेरे कानों पे पानी चले गया भाई साहब। इस टाइम के लिए सही है यार, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है भीड़ ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो बहुत कम भीड़ थी, लेकिन अब बढ़ रही है भीड़। ये मयंक भैया डुगू आ जा, देखो भैया हमें डुगू लोग मिल गए। नाना तो यार नहा के निकल पड़े हैं। फोन के लिए वो तो लिया था जो जिससे मतलब फोन भीगता नहीं है, पर उससे फिर भी फोन भीग गया था। और यहाँ पे हमने लॉकर लिए थे यहाँ पे, अगर आप आओगे तो यहीं से लेना। अब मौसम भी खराब हो गया, अब देखना थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। आ चुके थे हम घर और अब मयंक भैया जा रहे हैं वापस दिल्ली। कैसा रहा मयंक भैया? हेलो दोस्तों, भाई बहुत बढ़िया रहा है देहरादून, इतनी मस्त जगह है, मतलब यू शुड कम हियर और एक्सप्लोर करो यार, एटलीस्ट 3-4 दिन, 1 हफ्ता एक्सप्लोर करो हर जगह, भाई बहुत मजा आता है। और एक दिन में एक ही जगह जा सकते हो, सो 4 जगह भी जाओगे तो इट मतलब 4 जगह तो 4 दिन तो हो ही गए आपके, सो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के लिए आ सकते हो, बोर बिल्कुल भी नहीं होगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। और सागर रमोला से मिलके जाना, और सागर रमोला से बिल्कुल मिलके जाना भाई, बहुत बड़े बंदा है। आज तो ट्रिपलिंग भी करी है तो मजा आ गया, बट रिस्की है मत करना, हमारे तो कुछ हमारे को कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा, बट क्या पता आपको फर्क पड़ सके। रिस्क है तो इसका है। यस हाँ भाई, रिस्क तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है, बट कैलकुलेटेड लो बेस्ट रहता है, मजा है ना मतलब। यस ऑफकोर्स, ओके ठीक है, बाय बाय। ठीक है भैया, ओके बाय बाय। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को ये पेंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।